الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله सदकिल्ल अजीम व सदा का रसूल हन् नबीयल करीम सच्चा हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वक्ता की कोई इबादत के लायक नहीं और सच्चे उसके प्यारे हबीब स जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक़ अपने खाले के हकीकी के साथ जोड़ दिया जिन्होंने बुतों को सजदे करने वालों को अल्लाह को सजदे करने वाला बना दिया आग की पूजा करने वालों को अल्लाह की, की इबादत करने वाला बना दिया जो लोग गुमराही की तरफ जा रहे थे उनको हिदायत का नूर अता फरमा दिया और जिन्होंने मखलूक को अल्लाह की आशनाई कराई यहाँ पर तशीफ़ फरमा हज़ारों की तादाद में हाजरीन और पूरी दुनिया में ए आ वाई क्यू टी वी पे देखने वाले करोड़ नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस खूबसूरत महफिल में हम अल्लाह करीम से मोहब्बत की खातिर हजूर आल सलाम की इतवा करने की खातिर और अल्लाह करीम को सजदे कर, करीम की बारगाह में सजदारेज होने की खातिर इकट्ठे हैं। याद रखिएगा अल्लाह करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर अमल की बुनियाद है हर अमल की बुनियाद है अगर अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत न होगी तो बंदा अमल तो करता जाएगा नमाजें तो पढ़ता जाएगा रोजे तो रखता जाएगा हज तो करता जाएगा हर अमल करता जाएगा लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं होगी तो वह अमल नामा में मुरतब नहीं होगा वह अमल कोई काम नहीं आएगा हर अमल अपनी महराज पर तब पहुंचेगा दर्जा कबूलियत पे तब पहुंचेगा जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी और नाजीन इक्राम जो है वह क्यू टी वी पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बात से आगा है कि पिछले दो हफ्ते से मेरा प्रोग्राम ईमान और इस्लाम में यही मौजू है कि अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत कितना ज़रूरी है याद रखिएगा मोहब्बत की कुछ लवाजमात भी होती है मोहब्बत सिर्फ इस चीज़ का का नाम नहीं है कि महफिल में आना या मस्जिद में आना या किसी बड़ी रात में मस्जिद में बैठ जाना और दो आंसू बहा के कह देना कि मुझे अल्लाह से बड़ा प्यार है मुझे अल्लाह से बड़ा प्यार है मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं है मोहब्बत कुछ चीज़ों का तकाज़ा करती है कुछ चीज़ों का तकाजा करती है मोहब्बत ये है मोहब्बत ये है के दिल की तवज्जो हमेशा अपने महबूब की तरफ रहे हमेशा अपने महबूब की तरफ रहे जिस तरह इमाम कुशहरी ने भी कहा है कि मोहब्बत वो आग है कि जब किसी के दिल में किसी के दिल में किसी किसी के दिल में किसी का लिए मोहब्बत आती है कोई किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत वो आग है जो दिल में महबूब के सिवा हर शय को जला डालती है हर तसव्वुर को जला देती है हर ख्वाहिश को जला देती है हर मोहब्बत को जला देती है हर हवस को जला देती है बस अगर कभी किसी को सच्ची मोहब्बत हो जाए और दिल में सच्ची मोहब्बत की आग लग जाए hmm. तो वो आग महबूब के सिवा हर शय को जला डालती है और दिल में रह जाता है तो बस ख्याल महबूब रह जाता है अगर तमन्ना रह जाती है तो महबूब की तमन्ना रह जाती है अगर कोई हवस रह जाती है तो अपने महबूब के दीदार की हवस रहती है अगर दिल में कोई ख्वाहिश रहती है तो बस अपने महबूब की ख्वाहिश रहती है उसके सिवा मोहब्बत हर शय को जला डालती है हर शय को जला डालती है मोहब्बत यह है मोहब्बत के तकाजों में ये तकाजा शामिल है कि मोहब्बत ये है कि इंसान जो है वो अपने महबूब की ख्वाहिशात के ताबे कर ले अपनी हर ख्वाहिश को अपनी हर ख्वाहिश को अपने महबूब की ख्वाहिश के ताबे कर ले अपने महबूब की ख्वाहिश के ताबे कर ले और आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़े जो उसकी ख्वाहिश है उसको अपनी ख्वाहिश बना ले उसको अपनी ख्वाहिश बना ले और मोहब्बत यह है कि अपना सब कुछ जो है वो अपने महबूब के नाम पे लुटा देना मोहब्बत इस चीज का तकादा करती है कि अपना सब कुछ अपने महबूब के नाम पर लौटा डालो अपने महबूब के नाम पर लौटा डालो और इसकी सबसे वाज मिसाल और सबसे बड़ी मिसाल हजरत सैदना सिद्दीक अकबर है हजरत सैदना सिद्दीक अकबर है जब गजबा तबुक से पहले माल लाने का हुक्म हुआ कोई कुछ ला रहा है कोई माल में से चार हिस्सों में से एक हिस्सा ला रहा है कोई आधा ला रहा है दो हिस्से ला रहा है कोई इससे भी ज्यादा ला रहा है हजरत सैदना सिद्दी के अकबर हाजिर होते हैं हजूर आल सलाम ने पूछा

दिल दिल के के सफर सफर का का नाम नाम है, है, मोहब्बत इस चीज का नाम है कि इंसान मंडी भाव दिल में भी बैठा हो लेकिन दिल मदीना मुनवरा की तरफ सफर कर रहा हो दिल के महबूब की जानब सफर को मोहब्बत कहा जाता है कि फिर यह होता है कि दिल जानो दिल जानो दिल हो शोखिरत हर चीज दिल के साथ सफर करते जाते हैं सफर करते जाते हैं इंसान का जस्म तो यहां होता है लेकिन उसका दिल भी महबूब के कदमों में पहुंच जाता है और रूह भी महबूब के कदमों में पहुंच जाती है और बरेली में बैठ के कहता है कि जानो दिल हो शोखिरत सभी मदीना पाक पहुंचे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया नाजीन कर पिछले प्रोग्राम्स में मैंने मोहब्बत के हुब के कई और मानों पर गुफ्तु की लेकिन हुब का एक माना इस्तकामत भी है मोहब्बत हुब से है और हुब का एक माना इस्तकामत और लजूम है इस्तकामत और लजुम है यानी किसी चीज़ के साथ लजूम यानी किसी चीज़ के साथ अपने आप को मजबूती से बांध लेना अपने आप को किसी चीज़ के साथ मजबूती से बांध लेना यानी मोहब्बत हुब से है हुब इस हुब का एक मानी इस्तकामत भी है लजूम भी है यानी किसी चीज़ के साथ अपने आप को मजबूती से बांध लेना यानी मोहब्बत का तो तारीफ ही ये है कि जब किसी से किसी को मोहब्बत हो जाती है तो वो उसके जिक्र के साथ उसकी याद के साथ उसकी तमन्ना के साथ अपने आप को इतनी मजबूती से बांध ले उसके दर को ऐसा पकड़ ले कि अगर उसके दर से उठे तो जनाजा ही उठे इंसान खुद कभी ना उठे इंसान खुद कभी ना उठे कि जब तक मिले ना दस्ते करम से करम की भी दरवाजा करीम से जाना ना चाहिए दरवाजा करीम से जाना ना चाहिए अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो उस मोहब्बत का यह तकादा है क्योंकि मोहब्बत की तारीफ भी ये है कि जब दरवाजे पर बैठ जाओ तो फिर इंसान खुद ना उठे अगर उठे तो जनाजा ही उठे अगर उठे तो जनाजा ही उठे और अगर कोई महबूब के दरवाजे पर मर जाए और इस तकामत के साथ मरे तो फिर ऐसा भी होता है कि महबूब अपने मुहिब का जनाजा भी नहीं उठने देता बल्कि दरवाजे खुल जाते हैं और आवाज आती है कि अबू बकर को मेरे कदमों के हवाले कर दिया जाए अबू बकर को मेरे कदमों से दफन कर दिया जाए मेरे कदमों में दफन कर दिया जाए यह इस्तकामत है मोहब्बत इस से है और का मानी इस्तकामत है अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से अपने आप को ऐसा बांध लो कि फिर दोबारा किसी और से मोहब्बत ना करना दोबारा किसी और से मोहब्बत ना करना कुरान करीम में सूरह लत की आयत नंबर तीस में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा हमारा रब अल्लाह है हमारा रब अल्लाह है और इस पर इस्तकाम इख्तियार की इस पर इस्तकामत इख्तियार की इस आयत में अल्लाह करीम ने पहले शान बंदगी का जिक्र फरमाया और फिर शान बंदा नवाजी का जिक्र फरमाया फिर शान बंदा नवाजी का जिक्र फरमाया रब करीब ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है लेकिन इस पर इस्तकामत इख्तियार की इस पर इख्तियार की हमारा रब अल्लाह है हमें पालने वाला अल्लाह है एक तो यह है ना कि इस्तकामत इख्तियार की मुसलमान रहे कुफर की तरफ लौट के ना गए एक यह भी है कि कि जब कहा कि हमारा रब अल्लाह है हमारा पालने वाला अल्लाह है तो फिर दुनिया की तरफ नजरें नहीं रखी दुनिया की तरफ नजरें नहीं रखी अगर किसी जंगल में भी जाके गोशा नशी हो गए तो इस अकीदे से हुए कि हमारे हमें पालने वाला हमारा रब है और इस पर इस्तकाम की ये सिर्फ वक्ति कैफियत नहीं थी <थिक्षी> कि जुम्मा पढ़ने आए तो वाह वाह हमारा रब अल्लाह है हमें उससे उसक्य। प्यारा और कोई नहीं बार गए तो सब बोल के नहीं नहीं उस पर इस्तकत इख्तियार इस की यानी कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और फिर इस मोहब्बत में इख्तियार की इख्तियार की ये नहीं कि एक बार तो कह दिया कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं अल्लाह से प्यार करते हैं लेकिन जब बाहर निकले तो दुनिया के हुसन ने अपनी तरफ खींच लिया दुनिया की रंगीनियों ने अपनी तरफ खींच लिया दुनिया की दौलत और माल और इकतदार और इन चीजों के हवस ने अपनी तरफ लिया, दुनिया से भी मोहब्बत कर रहे हैं और अल्लाह से भी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं नहीं जब कहा कि हमारा रब अल्लाह है तो फिर इस पर ऐसे इस्तकामत तकामत इख्तियार की दोबारा अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कभी किसी और से मोहब्बत ना की अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी और से मोहब्बत ना की कहा हमारा रब अल्लाह है फिर दुनिया क्यों ऊपर से नजरों को हटा लिया अगर मोहब्बत की तो या अल्लाह से की या उसके रसूल से की जब बंदा दुनिया को छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह करीब सूरह फुसलत की इसी आयत में इरशाद फरमाता है इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि जब कोई मुझसे मोहब्बत करे और इस मोहब्बत में इस इख्तियार करे तो फिर हमारी शान बंदा नवादी ऐसी होगी शान बंदा नवाजी ऐसी होगी कि फिर हमारे फरिश्ते उस इंसान पर उतरती है जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर कायम हो जाए अल्लाह फरमाता है फिर वो आम लेता तो गोया के आम इंसानों में है आता तो आम इंसानों में है चलता तो आम इंसानों में है लेकिन उसका यह मकाम होता है कि उस पर अल्लाह के फरिश्ते हैं और अल्लाह के फरिश्ते तेरा रब तुझे कह रहा है तुझ पर कोई खौफ नहीं है भी नहीं होगा और तुझे बशारत है उस जन्नत की जिसकी जन्नत का तेरे रब ने तुझसे वादा किया है बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है फिर रब फरमाता है की ही आयत नंबर इकतीस औलिया उकुम फिल हयात दुलिया व फरिश्ते हैं अब मैं तेरा वली बन चुका हूँ अब मैं तेरा वली बन चुका हूँ वली का जहा माना मददगार है जहां माना मुतसर्रिफ है वहाँ वली का माना मुहिब भी है अल्लाह फरमाता है पहले तू मुझसे प्यार करता था अब मैं तुझसे प्यार करता हूं पहले तू मुझे चाहता चाहता था अब मैं तुझे चाहता हूं। पहले तेरी मंजिल तू है अगर यह भी कह दू तो गलत ना होगा कि रब फरमाता है पहले तेरा मरकज मैं था अब मेरा मरकज तू है अब मेरा मरकज तू है और यह जो मोहब्बत है ना ये दुनिया की तरह चंद रोज की नहीं है नहीं कि अब अल्लाह तुम्हारा वली है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हारा वली है अल्लाह तुम्हारा वली है हाजरीन नाजरीन हजार बार कोई दावा करता रहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ

अब जब मैं तेरा वली हो गया हूं तो फिर तुझे किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं है अब मांगना तेरा काम है और अता करना मेरा काम है अब तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे दिल में अगर कोई ख्वाहिश भी आएगी हम उसको भी पूरा फरमा देंगे हम उसको भी पूरा फरमा देंगे यही तो वजह है इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि अल्लाह वालों से दुआएं कराया करो इनके पास जाया करो इनकी जूतियां उठाया करो क्योंकि आम इंसान आम इंसान होता है जब कोई अल्लाह से प्यार करता है अल्लाह उसका वली बन जाता है और जब अल्लाह किसी का वली बन जाए तो बस फिर उसके जुबान हिलाने की देर होती है वो जो कह दे अल्लाह उसको पूरा फरमाता है

सिर्फ यह कहना बड़ी बात नहीं है कि हमारा रब अल्लाह है सारी जिंदगी इस से जुड़ के रहना बड़ी बात है सिर्फ यह कह देना बड़ी बात नहीं है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं सारी जिंदगी अल्लाह से प्यार करना और अल्लाह के गैर से प्यार मत करना और अल्लाह और उसके रसूल से ही उम्मीद रखना यह ईमान है यह ईमान है ईमान है हैं कि बड़ी बात यह है और कामयाबी इसमें है कि जब बंदा कह दे कि मेरा रब अल्लाह है तो फिर इस पर अल्लाह के गैर से मोहब्बत ना करे हमेशा अल्लाह ही से मोहब्बत करे और अल्लाह ही से उम्मीद रखे अल्लाह ही से उम्मीद रखे मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है।, है कि मैंने हजूर सलाम से अर्ज की रसूल अल्लाह

अल्लाह से मोहब्बत का दम भर और फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार कर फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार कर अगर यह तुझे मिल जाएगा इस पर तू साबित कदम हो जाएगा तुझे सारी जिंदगी किसी और से कोई और सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और से कोई और सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इससे यह तस्वर ना लेना कि खाली कहते रहो कि हमें अल्लाह से प्यार है हमें अल्लाह से प्यार है हमें अल्लाह से प्यार है और नमाज ना पढ़ो रोजे ना रखो नफली इबादत ना करो फरायज अदा ना करो नहीं हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत कर और उस मोहब्बत में इस्तकामत तकामत इख्तियार कर अल्लाह की मोहब्बत में इस्तकामत तब भी मुमकिन है जब बंदा अल्लाह के अहकाम पर अमल करेगा अल्लाह के अहकाम पर अमल करेगा नमाज पढ़ेगा रोजा रखेगा त देगा हज करेगा गरीब इंसानियों इंसानों का जो है मखलूक खुदा का भला करेगा मखलूक खुदा का भला करेगा दुनिया में अमल कायम करने की कोशिश करेगा तभी वो इस लाक होगा कि वो कहे कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूं और मैं इस पर इस्तकामत इख्तियार किए हुए हूं इस्तकामत इख्तियार किए था हुए हूं सैयदना सिद्दीक अकबर ने कुतब सीरत में ये रोशन बातें मौजूद हैं अल्लाह की मोहब्बत के ये रोशन मनाजिर मौजूद हैं जो इस दौर में अंधेरी रात में चांद की माने चमक रहे हैं चांद की माने सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि मुझे अल्लाह से प्यार है मुझे अल्लाह से प्यार है जानते हैं क्या हुआ रसूल के हुक्म पे जब मताफ में जाके अल्लाह की तोहिद का ऐलान किया दुश्मन तोहिद ने मुश्रकों ने हजरत सिद्दीक अकबर को पकड़ लिया मारना शुरू कर दिया उनकी हड्डियां चोर चुर कर दी अकबर ज़मीन गिर गए खुल हो गए हो कहते हैं अबू बकर की यह हालत थी कि हमें लग रहा था कि अबू बकर का विशाल हो गया है अबू बकर को रात के किसी पहर में जाके होश आती है अपनी माँ से कहते हैं मुझे मुस्तफा के पास लेके चलो माँ कहती है अबू बकर कुछ खा ले फिर तुझे ले जाऊंगी अबू बकर ने कहा ना मैं कुछ पीऊंगा मुझे भूख भी मुस्तफा के दीदार की है मुझे प्यास भी मुस्तफ़ा के दीदार की है अबू बकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं मुस्तफा को अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में ये चार छोटे क्या चीज है अगर अल्लाह को अगर अबू बकर को अल्लाह सौ बार भी जिंदगी देगा तो अबू बकर सो बार अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देगा अल्लाह अल्ला से शिकवे नहीं करना शुरू कर दिए मैंने तो तेरी तोहेद का ऐलान किया तूने मेरी हड्डियां तोड़ दी कहा या ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ो तेरे नाम पर सब वारा करू मैं तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं इस्तकामत जरूरी है इस तकामत जरूरी है अल्लाह की मोहब्बत खाला जी के घर की बात नहीं है हजरत बिलाल ने अल्लाह पर ईमान लाया हुजूर से मोहब्बत की अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह के दुश्मनों ने हजरत बिलाल को कोड़े मारना शुरू कर दिए गरम रेत पर लिटा के कोड़े मारने वाले मार मार के थक गए लेकिन बिलाल अल्लाह का जिक्र करते ना थके अल्लाह का जिक्र करते ना थक... थके उल्टों पीछे के उल्टों पीछे बांध के, के पीछे बांध के सहराव में घसीटा जाता था उल्ट थोड़ थोड़ के थक जाते थे जब बिलाल से पूछते बिलाल अब तब मुस्तफ़ा छोड़ेगा बिलाल जख्म पर जख्म सह के ये बोले बिलाल जालिमो ये तुम Um, yup. गलत है ख्याल मुस्तफा को मैं क्यों कमजोर ईमा कम की में तो हमें सो जाने करने का मजा आता है सो जाने कुर्बान करने का मजा आता है अल्लाह की मोहब्बत घर बैठे बैठे नहीं मिलती ऐसे ही नहीं मिल जाती उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अल्लाह पर तोल करना पड़ता है आज अगर हम मस्जिद में जाए कोई साहब पांच नमाजें पढ़ ले चार नमाजें पढ़ने के बाद पांचवी नमाज में मस्जिद में जाए और जूती गुम जाए बाहर निकल के कहते हैं या मैं तेरी इबादत के लिए आया और मेरी जूती गुम गई कोई बंदा जो है वो इबादत करता हो रमजान का रोजे रख रहा हो और कोई मुसीबत आ जाए वो कहता है यार मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था ऐसे नहीं होता इश्क में भाई सब कुछ लौटाना पड़ता है तू किस बा की मूली है हजरत इब्राहिम सलाम के लिए जब उस नमरूद ने वो आग जलाई वो आग जलाई कि जिसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता था वो जल के उसमें गिर जाता था दिलों तक जिसकी तबिश महसूस की जाती थी महसूस की जाती थी चालीस दिन नमरूद ने जिस आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जब वो आग जलाई गई आग जलाई गई उस आले में हजरत इब्राहिम सलाम को रखा गया जिसके जरिए से उस आग में फेंकना था उस आग में फेंकना था हजरत इब्राहिम सलाम को उसमें रखा गया जब आग में फेंकने लगा नमरूद जिबरी अमीन हाजिर हुए कहा आपकी मुझसे कोई हाजत है तो बताए मैं आपको यहां से निकाल लू मैं आग को बुझा दू हजरत इब्राहिम आल सलाम ने कहा कि मेरा मेरे हाल से वाकिफ है अगर झूले से, तो से आग में फेंका गया हजरत इब्राहिम के पास बारिश का फरिश्ता आता है कहें तो सही मैं बारिश बरसाऊं और इस आग को बुझा डालू आपने फरमाया मेरे रब की रजा में मैं राजी हूं हट जा मेरे रस्ते से हम आग का फरिश्ता आता है जरा एक बार लब तो हिलाए, इस आग को बुझा डालू ऐसी हवा आपने मेरे मेरे रब मेरे हाल फरिश्ता आता है जरा एक बार लब तो इस आग को बुझा दू हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं अगर मेरा रब इसमें राजी है तो मैं इसमें राजी हूं जिन्ना दुखा बिच मेरा दिल पर राजी अगर मुझे सोना मेरे दुख बच राजी

और अल्लाह और उसके रसूल का खाली अल्लाह रसूल की रजा की खातिर किया करते थे हैं। ये पुकारेगा अबू दाउदरीफ में मौजूद है अबू दाउदरीफ की मोहब्बत करो तो अल्लाह की खातिर तो अल्लाह के दुश्मन से अगर किसी को अता करो तो अल्लाह की रजा के लिए किसी को बुरा काम करता देखो तो अल्लाह की मोहब्बत में उसको उससे रोको हुजूर फरमाते हैं कि जिसने ये काम किया उसका ईमान मुकम्मल है उसका ईमान मुकम्मल है हमें नजर आता है मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स था वो अपने घर से निकला एक वादी की जानिब जा रहा था और वो एक मर्द मोमिन की मुलाकात के लिए जा रहा था हुजूर फरमाते हैं मुस्लिम की हदीस है कि वो एक मर्द मोमिन की मुलाकात के लिए जा रहा था एक फरिश्ता अल्लाह ने उसकी तरफ इंसान की शक्ल में रवाना किया उस फरिश्ते ने उस शख्स से पूछा कि तू कहा जा रहा है उसने जवाब दिया कि मैं एक अल्लाह के वली एक मर्द मोमिन की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ उस फरिश्ते ने पूछा कि तेरा उससे कोई गर्ज है क्या तू कोई अपनी बीमारी लेके जा रहा है अपनी परेशानी लेकर जा रहा है दुनिया की, नहीं, नहीं। की कोई लालच नहीं है मुझे सिर्फ यह लालच है कि उसके पास जाने से मुझे अल्लाह राजी हो जाए वो मुझे अल्लाह की बातें करेगा अल्लाह की बातें सुनूंगा और उसके पास जाने की वजह से मुझसे अल्लाह राजी हो जाए मैं अल्लाह की मोहब्बत में उसके पास जा रहा हूँ हुजूर फरमाते हैं वह फरिश्ता बोला कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुझे मुबारक देता हूँ कि तेरा रब फरमा रहा है कि जितना तू मेरे वली से प्यार करता है उससे ज्यादा अल्लाह तुझसे प्यार करता है मुबारक हो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वालों मुस्लिम की हदीस से हमें यह पता चला कि जब कोई अल्लाह के वली से प्यार करता है तो अल्लाह फरमाता है जितना तू मेरे वली से प्यार करता है, से मैं से करता है। मेरे वली से प्यार करता है इससे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूं हमें नजर आता है अल्लाह के एक कामिल वली और एक जलील कदर ताबी हज़र हसन बसरीशाद फरमाते हैं कि तीन चीज़ों में ईमान की हलावत है तीन चीजों में ईमान की हलावत है अगर तुम इन में लजत महसूस करो तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब तुम पर राजी है और अल्लाह का शुक्र करो और अगर तुम्हें इन में मजा ना आए इल में लज्जत ना आए तो सजदार रेज हो जाओ अल्लाह से माफी मांगो समझ लो कि तुम्हारा दरवाज़ा बंद है मुझे आपको इन तीन चीज़ों पर तोज्जो देनी है और देखना है कि क्या हम में यह है या नहीं अगर नहीं है तो अल्लाह से सजदा होकर माफी मांगनी है हसन बसरी कहते हैं अगर इन तीन चीजों में लज्जत महसूस नहीं होती तो समझ जाके तेरा दरवाजा बंद है वो तीन चीजें क्या है आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाह का जिक्र अगर अल्लाह का जिक्र करते हुए अब मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं अगर इस तरह कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा हो और सुनने वाला परेशान हो रहा हो वक्त को देख रहा हो कि मैंने जाके दुकान भी खोलनी है मैंने जाके जो है तो फिक्र करो तुम्हारा दरवाजा बंद है और मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ जिसका दिल कर रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन ये जिक्र खत्म ना हो वो अल्लाह का शुक्र करे वो कहते हैं अल्लाह के जिक्र में

ततमइन लिल कुलूब अल्लाह का जिक्र करो क्योंकि अल्लाह का ही जिक्र है जो दिलों को सुकून देता है दिलों को पाक करता है दिलों को सुकून देता है और अल्लाह का जिक्र करो उसकी यह भी वजह है कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कुरान में अल्लाह फरमाता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा ऐ इंसान जिंदगी में अल्लाह का जिक्र कर फिर जब अल्लाह तेरा जिक्र करेगा तो तेरे लिए दाता साहब की सूरत में मिसाल जिंदा है ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत में मिसाल जिंदा है ख्वाजा अब्दुल करीम की सूरत में मिसाल जिंदा है ख्वाजा रहमान की सूरत में मिसाल जिंदा है कि जो सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करता है कयामत तक अल्लाह उसका जिक्र खुद भी करता है और अपनी मखलूक से भी करवाता है खुद भी करता है और अपनी मखलूक से भी करवाता है अपनी मखलूक से भी करवाता है अल्लाह अल्लाह का का जिक्र जिक्र कर क्योंकि जब तू करेगा, तो अल्लाह तेरा जिक्र करेगा हदीस से कुछ सी है सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूँ जब मेरा बंदा तलहाई में मेरा जिक्र करता है मैं तलहाई में उसका जिक्र करता हूं जब वो मजलिस में मेरा जिक्र करता है मैं उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता हूं जब वो चल के मेरी तरफ आता है मेरी रहमत दौड़ के उसकी तरफ आती है वो एक कदम मेरी तरफ आता है मेरी रहमत दस कदम उसके करीब आती है हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करो दूसरी चीज हजरत हसन बसरी ने इरशाद फरमाई दूसरी चीज कुरान की तलावत है अगर कुरान की तलावत में लज्जत महसूस करो ये मेरे आज के खिताब की, की आखिरी बातें हैं अगर कुरान की तलावत में लज्जत महसूस करो तो अल्लाह का शुक्र करो और अगर कुरान की तलावत में तुम्हारा दिल नहीं लगता तो तोहबा करो अल्लाह की राह में मजीद कोशिश करो अल्लाह से माफी मांगो कि तुम्हारा दरवाजा बंद है

कहते फिर मैं रुका फिर घोड़ा हो गया वो कहते हैं जब फिर अमल हुआ तो मैं डर के घर से बाहर निकला अरे तो बाहर निकला ना तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर की दहलीस से लेकर आसमान तक एक नूर की कतार है एक नूर का जुलू है कहते है, मैं हैरान हुआ मैं परेशान हुआ मैं अगले दिन सुबह हजूर की बार में गया मैंने कहा यार रसूल अल्लाह यह मामला हुआ है रात को मैंने यू देखा कि मेरे घर की दहलीज से लेकर जब मैं तलावत कर रहा था आसमान तक एक नूर की कतार है हुजूर हुजूर ने ने पता क्या फरमाया फरमाया तो कुरान की तलावत कर रहा था ना अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा था वो नूर की कतार कुछ और नहीं था बल्कि आसमान से अल्लाह के फरिश्ते तेरा कुरान सुनने आ रहे थे और अगर तू तलावत ना रोकता सुबह तक तलावत करता रहता तो तू अल्लाह के प्यार में तलावत कर रहा था अल्लाह को तुझ में इतना प्यार आ रहा था कि अगर तू तलावत ना रोकता तो सुबह मदीना पाक वाले अपनी आंखों से फरिश्तों को देख सकते अपने आंखों से फरिश्तों को देख सकते और तीसरी चीज हजरत हसन बसरी ने इरशाद फरमाई कि वो नमाज है अगर नमाज में तुम्हारा दिल नहीं लगता नमाज में हो बस दिल यही होता है जल्दी से सलाम फिर मौलवी साहब क्या लंबी लंबी आयतें पढ़ते हैं जल्दी से नमाज खत्म हो जुमे का सलाम फिरता है दुआ का भी इंतजार नहीं करते हो उठे और भाग गए नहीं अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में है अगर कहते हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और नमाज में लज्जत नहीं आती तो अल्लाह से तोबा करो तुम्हारा दरवाजा बंद है और अगर नमाज में लजत आती है तो अल्लाह का शुक्र करो क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह को अपने बंदे का सबसे ज्यादा अगर कोई अंदाज पसंद है तो वो वो अंदाज़ है कि जब वो अल्लाह के हुजूर सजदारेज होता है अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होता है और याद रखना अगर जानना ना कि अल्लाह मुझ पर राजी है या नहीं तो वो ऐसे ही पता चलेगा कि नमाज में लज्जत आ रही है या नहीं आ रही एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार हो रहा है कि नहीं एक गुफ्त रास्ता हजत पड़ती थी फजर पड़ती थी, थी, थी अल्लाह की इबादत करती थी एक दिन शोहर ने बीवी से पूछा कि तू अल्लाह से इतना प्यार करती है अल्लाह भी तुझसे प्यार करता है मौलाना कहते हैं कि उस औरत का जवाब अगर हम जान लें तो दुनिया और आखलत में वो हमारे लिए भलाई है उस औरत ने जवाब दिया कि अरे नादान जब एक नमाज पढ़ने के बाद मेरे दिल में दूसरी नमाज का शौक आता है और दूसरी नमाज का इंतजार आता है तो ये अल्लाह की रजा की निशानी ही तो है एक बुजुर्ग थे, थे और रात तजत पढ़ते थे हर रोज बड़ी सुनने वाली बात है हर रोज तहज्जत के बाद उनको गैब से आवाज आती थी हमें तुम्हारी नमाज नहीं कबूल हमें तुम्हारी इबादत नहीं कबूल रोते लेकिन फिर अगले दिन यही काम करते एक दिन किसी को उन्होंने बताया तो उसने कहा पागल आदमी है रोज तो तज्जत पढ़ता है सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता है सारी रात अल्लाह अल्लाह करता है और अल्लाह तुझे हर रोज फरमाता है कि हमें तेरी नमाजें नहीं कबूल तेरी तहजत नहीं कबूल फिर भी तू पढ़ी जाता है वो बाबा रोना शुरू हो गया और रो रो के कहता है कि अरे वो मुझसे प्यार नहीं करता मैं तो उससे प्यार करता ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जन्नत नहीं मिलेगी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अजर नहीं मिलेगा अरे मैं उसकी इबादत जन्नत के लिए नहीं करता अजर के लिए नहीं करता खालि उसकी मोहब्बत में करता हूँ और बुल्ले शाह उतरिये पावे बाबे का मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ अब ये उसकी मर्जी वो करेला करे, करे। अल्लाह ने बाबे को गैब से आवाज आई अल्लाह की तरफ से कि ओए बाबे क्या बात करता है हमारे लिए तेरा एक एक आंसू कीमती है एक एक सत्ते की हबियत है हम तुझसे प्यार करते हैं हम तो तुझे, तो तुझे आज़मा रहे थे जब ये आवाज आने के बाद कि हमें तेरी इबादत नहीं कबूल तू फिर सजदा करता था तब जो हमें पे प्यार आता था, था वो बाकियों पे नहीं आता पे नहीं आता बाबे ने कहा हम तो उससे प्यार करते है ना वो करे ला करे करे यादा नहरा के सदके से सैदा फातिमा के सदके से सैदा फातिमा की सैदा फातिमा के शहजादों के सदके से सैदा फातिमा की शहजादी के सदके से या ला सैदा फातिमा की वालिदा के सदके से सैदा फातिमा के वालिद के सदके से हम तुझसे तेरा ऐसा ऐसा प्यार भागते हैं क्या आप यही कहे कि आप तो तुझसे प्यार करते हैं ना तू करे या ना करे और फिर हमारे मुकद्दर में तेरी वो मोहब्बत आ जाए कि मैं तुझसे प्यारा और कोई ना हो नजीन इकराम क्यू टीवी पर एक बाबा जी थे दीवाना आदमी था एक शोहर और एक बीवी नई नई शादी हुई थी जा रहे थे एक जंगल से बाबा बेचारा गुजर रहा था बाबे का एक लकड़ी पे पैर आया लकड़ी पे पैर आया तो वो जाके की बीवी जिसकी नई नई शादी हुई थी उसके माथे पे लग गया, माथे से खून की फवार निकल पड़ी बंदे को बड़ा गुस्सा आया और बाबे तेरी वजह से मेरी बीवी का सर फटा डंडा उठाया रख के बाबे दे सिर से मारे बाबे का सिर फट गया बाबे ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा आगे चल दिया अल्लाह की रजा थी किसी ने मारना था मारा मार दिया निकल आया और 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 तो तो था ना यकीन वो कोई अल्लाह का वाली था उसकी बदवा लगी है चलो उसके पास चलो उससे माफी मांगो वो दोनों उसके पास गए सिर तो चोट लग गए तो माफी तैयार हो जाने जाके माफी मांगी बाबे ने कहा भाई तुम हो बाबा अपनी इबादत में लगा था अल्लाह 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 बस उन्हें बाबे को बुलाया, बाबे को को बुलाया होश ही नहीं फिर बुलाया होश ही नहीं फिर बुलाया बाबे ने कहा कौन हो क्यों तंग करते हो मुझ गरीब की झोंपड़ी में कोई क्या लेने आया है उसने कहा हुजूर हमसे गलती हो गई थी कल आपकी बेदबी हो गई थी आपकी बदवा लगी है माफ दे बाबे ने कहा क्या बदवा लगी है क्या बेदबी हुई है हो कौन कहा हुजूर जरा थोड़ा सिर फाड़िया मैं फाड़िया या आपका सर मैंने फाड़ा था मैं वही बातवा तो तो मारा, मारा खून निकला तुम चले गए बस बात खत्म मैंने बदवा नहीं थी मुझसे अल्लाह की कसम उठवा लो मैंने बदवा नहीं दी वही माफ कर दे बाबे ने कहा मैंने नहीं दी बदवा का माफ कर दे रहा हूँ बदवा नहीं थी तब उसने बहुत जिद की तो बाबा ने कहा सुन तेरा सर फटिया उसने कहा जी फटा कहा अब मुझे मुस्तफा की कसम है मैंने तुझे बदवा नहीं दी तो कहा बाबा जी मेरी बात क्या है कहा तूने मेरे सर पे क्यों मारा कहा क्योंकि तूने मेरी बीवी के सर पे मारा और मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं कहा मेरे वजह से तेरी बीवी को तकलीफ पहुंची तूने मुझे मारा क्योंकि तू उससे प्यार करता है अरे हमसे भी तो कोई प्यार करता है ना हम से भी तो कोई प्यार करता है ना हमसे भी तो कोई प्यार करता है अल्लाह करीम हम सबको हजूर आलम के नमक हलालों में रखे वफ़ादारों में रखे गुलामों में रखे नाजिन इक्राम इसके साथ ही ए और इस्लाम का अख्ताम होता है इन शह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे इसी दिन मोहब्बत इलाही के ही एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह करीम हम सब का हाम नासिर हो